नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। एमएस धोनी भारत के ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान हैं। अपनी कप्तानी में उन्होंने भारत को विश्व कप 2011, 2007 का T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाई थी। साथ ही टीम इंडिया को साल 2010 में टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर भी पहुंचाया। भारतीय क्रिकेट को ऊंचाई पर ले जाने में धोनी का बड़ा हाथ रहा। बतौर कप्तान और फिनिशर धोनी ने टीम इंडिया को जाने कितनी बार जीत का स्वाद चखाया, पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब धोनी को कप्तानी से हटाने की बातें चल रही थी। इस बात का खुलासा खुद एन श्रीनिवासन ने किया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया 0-4 से टेस्ट सीरीज हार गई थी। एन श्रीनिवासन ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत में कहा कि चयन समिति धोनी को हटाना जरूर चाहती थी, लेकिन उन्होंने किसी नए कप्तान की तलाश नहीं की थी। एन श्रीनिवासन ने कहा, साल 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। एक चयनकर्ता ने धोनी को वनडे कप्तान के तौर पर हटाना चाहा। मुद्दा यह था कि धोनी को वनडे कप्तानी के तौर पर कैसे हटाया जा सकता है, जबकि कुछ महीने पहले ही उसने वर्ल्ड कप जीता था। चयनकर्ताओं को ये तक पता नहीं था कि उनकी जगह कौन लेगा, और इसके बाद मैंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है। एन श्रीनिवासन ने आगे बताया, उस दिन मेरी छुट्टी थी और मैं गोल्फ खेल रहा था। बीसीसीआई सचिव का मेरे पास फोन आया कि वो धोनी को बतौर कप्तान चुनने से इनकार कर रहे हैं। इसके बाद मैं सीधे गोल्फ कोर्स से बैठक में पहुंचा और मैंने कहा, धोनी ही कप्तान होंगे। मैंने बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें, एन श्रीनिवासन का वो फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और वो आईसीसी की तीनों ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान भी बने। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।